एक दर्दनाक खबर हिमाचल के कांगड़ा से आ रही है, जिसमें टीपर की टक्कर लगने से सड़क हादसे में स्कूटी पर सवार मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। जिला कांगड़ा के अंतर्गत सुनहेत में ढाबे के पास एक टिप्पर ने दो स्कूटी सवारों को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई तथा अन्य दो पति पत्नी घायल है। पुलिस ने टिप्पर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीपर खुड़िया का बताया जा रहा है। बता दें कि करतार चंद अपनी पत्नी कांता के साथ चोलिया से देहरा की तरफ आ रहे थे। वहीं करण निवासी देहरा अपनी मां अनुवालिया के साथ स्कूटी से देहरा से ढलिया की तरफ जा रहे थे। इसी बीच सुनहेत में देहरा की तरफ से आ रहे एक टीपर ने करतार चंद व उसकी पत्नी कांता को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद अनियंत्रित टीपर से देहरा से ढलिया की तरफ जा रहे करण व उसकी माँ अनुवालिया को बुरी तरह से रौंद डाला। इसमें अनुवालिया की मौके पर ही मौत हो गई। करण गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। वहीं करतार व उसकी पत्नी कांता भी घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद देहरा अस्पताल से टांडा अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टिप्पर आ रहा था बजरी लेके ऊपर से, एक स्कूटी इसके नीचे है और दो बंदे भी नीचे आए हुए हैं। अभी एक औरत है और एक लेडीज है, जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है। और दो जो एक औरत और एक लेडीज को हॉस्पिटल भेज दिया है। दो स्कूटरियों को इसने टक्कर मारी है टिप्पर ने। तो अभी टिप्पर का ड्राइवर भी यहाँ मौजूद नहीं है। अभी पूरी जो है इसकी छानबीन की जा रही है। बाकी इनके खिलाफ टिप्पर के खिलाफ कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई है? दो तो स्पॉट पे ही डेथ हो गई, दो जख्मी हाथ में जो हॉस्पिटल पहुँचाई गई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।